आज मैं आपको बताऊंगी कि सामायिक हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हमने प्रायः सुना होगा कि हम सामायिक किया जाता है, महाराज लोग सामायिक करते हैं और फिर गृहस्थ भी अपने घर में कभी कभी सामायिक करते हैं और उन्हें रोज किया तो करना चाहिए, पर क्यों और कैसे आइए हम ये जानते हैं। समता सुधा को पान कर शुद्ध बुद्ध अविकार, ध्यान मगन हो आत्मा सामायिक उद्धार। प्रत्येक गृहस्थ अपना सभी समय खाद्य सामग्री के उपार्जन में लगा देता है। उपार्जन क्रिया द्वारा हे उपादे को ना विचारता हुआ केवल धन संकलन करना ही ध्येय बन जाता है। फलतः समय पाए पूर्व संचित पूर्ण क्षय हाते होते शरीर आयु का अंत प्राप्त कर दुर्गति को चला जाता है। इसलिए बुद्धिमान भव्य जीव पहले पुण्य के भोग अवस्था गृहस्थ में ही आगामी के सुख साधन का को जुटाना प्रारंभ कर देता है और उसका सामायिक एक असाधारण कारण है, क्योंकि सामायिक के द्वारा ही आत्मा परमात्मा का स्वरूप झलकने लगता है। अपने द्वारा की गई दूसरे की अनिष्ट रूप पाप क्रिया स्वयं भासने लगती है और पुनः उससे बचने व प्रायश्चित करने के रूप भाव पैदा होते हैं। आत्मा में शांति का स्रोत बहने लगता है। जिनेन्द्र भगवान के गुण गायन आदि में श्रद्धा पैदा हो जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से एक घंटा पहले शय्यासन से प्रश्न मन में उठे। स्त्री सहवास मल मूत्र आदि से यदि अपवित्र हो रहा है तो हाथ पैर जल से शुद्ध कर वस्त्र परिवर्तन कर दर्भासन चटाई काष्ठ पटड़ा या साफ चबूतरा आदि स्थान पर पूर्व मुख कर पैर की एड़ी मिला अंगूठे से अंगूठे का चार अंगुल का अंतर कर नासाग्र दृष्टि रख 9 बार नमकार मंत्र का उच्चारण करें और दोनों हाथ जुड़े हुए हाथों को सीधे हाथ की तरफ चक्र रूप घुमाते हुए 3 आवर्त करें। जुड़े हुए हाथों पर मस्तक रखें, शारोन्नति करें, पश्चात पश्चिम दिशा में दक्षिण दिशा में मुंह कर पूर्व व्रत क्रिया करें, पुनः पश्चिम व उत्तर में भी वैसा ही करें। मतलब पहले पूर्व में, फिर दक्षिण में, फिर पश्चिम में और फिर उत्तर में। सामायिक पाठ में प्रतिक्रमण भगवान को अपने निकट करते हुए पूर्व में अपने द्वारा किए हुए दोषों को स्मरण करना। प्रार्थ्यान दिए हुए दोषों से छूटने के अर्थ प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे वे दोष मिथ्या हो। सामायिक संसार के सभी प्राणियों शुभ अशुभ पदार्थों में समता भाव धारण कर अपने किए दोषों की क्षमा मांगना। स्तवन भूत भविष्यत वर्तमान 24 तीर्थंकर 20 बिरहमान का गुणगायन यानी स्तवन करना। वंदना अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए वंदना नमस्कार। नोट, 3 आवर्त का यहाँ अभिप्राय मन वचन काय की एकाग्रता शिरोन्नति के नमस्कार से है। चारों दिशाओं से यहाँ अभिप्राय सभी दिशाओं के तीर्थ क्षेत्र कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय मुनिराज आदि को परोक्ष नमस्कार करने का है। छह कायोत्सर्ग सामायिक प्रारंभ के समय जो चारों दिशा में 9 या 6 नमोकार मंत्र 3 आवर्त 1 शिरोन्नति 1 दिशा में एक की थी वैसे ही करते हुए सामायिक समाप्त करें। दर्शन प्रतिमाधारी को प्रातःकाल 1 समय, दूसरी व्रत प्रतिमाधारी को प्रातः समय सायंकाल 2 समय, तीसरी साम्यकधारी को प्रतिमाधारी को प्रातःकाल दोपहर सायंकाल 3 समय, कम से कम 2-2 घड़ी यानी 1 मुहूर्त 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। मध्यम 4-4 घड़ी, उत्तम 6-6 घड़ी, ये नियम प्रतिमाधारी श्रावक के लिए है। समय पूरा करने के लिए अपना उपयोग आलोचना पाठ सामायिक पाठ भाषा व संस्कृत वैराग्य भावना 12 भावना आदि पाठ आनंद मग्न होता हुआ पढ़ें। कंठस्थ याद ना हो तो पुस्तक के आधार से पढ़ें। साधारण श्रावक के लिए समय की पाबंदी नहीं है, जितनी शुभता से समय मिले प्रातःकाल शरीर शुद्धि कर ध्यान चिंतवन अवश्य करें। जय जिनेन्द्र बंधुओं।